हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में ये असल में एक क्लेरिफिकेशन वीडियो होने वाला है कि मैंने अपने एक स्टडी प्लान बनाया था और उसकी वीडियो डाली थी आपके लिए एसएससी स्टेनोग्राफर स्टडी प्लान के नाम से, जिसमें कि 30 डे, 50 डे या 60 डे के ऊपर आप उस स्टडी प्लान को लगा सकते हैं। उसमें मैंने एक बात बोला था कि आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करना है, आपको इतने वन वर्ड्स याद करने हैं पर डे, और idiom, phrases, synonyms, antonyms, बाकी सब के related भी मैंने बात करी थी, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था कि कुछ लोग ऐसे कमेंट कर रहे थे कि प्रीवियस ईयर के में क्योंकि क्वेश्चंस नहीं आते हैं, या फिर जो भी उनका रीज़न हो, वो लोग कमेंट कर रहे थे कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन जो है वो एग्ज़ाम में नहीं आता, ठीक है। तो सीधा उनका कहने का मतलब था कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि फिर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आप पढ़ो, ठीक है। और मैं समझ सकता हूँ कि उनके बोलने का जो आधार है वो यही था कि प्रीवियस ईयर में वन वर्ड के क्वेश्चंस नहीं थे, ठीक। प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन नहीं आया है वन वर्ड से, तो इसीलिए आगे नहीं आएगा, और वो अपनी जगह पर सही भी हैं। लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ कि मैंने आपको क्यों पढ़ने को बोला था, ठीक है। एक यहाँ पर मैं टेक्निकल बात करूँगा, थोड़ा ऑफिशियल सिलेबस को देख करके बात करूँगा, और फिर आपसे एक छोटी सी बात करूँगा, आपको थोड़ा एक कॉमन सेंस आपका जगाने का कोशिश करूँगा। तो चलिए पहले ऑफिशियल इसका सिलेबस देख लेते हैं। ये देखिए 2019 एसएससी स्टेनोग्राफर का जो है ये ऑफिशियल आपका नोटिस है, और उसी के अंदर का ये सिलेबस है। देखिए सबसे पहली बात तो है कि एसएससी की थोड़ी सी गलती है कि देखिए यहाँ पर इंडिकेटिव सिलेबस कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन लिख करके बाकी सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस थोड़ा लंबा और इलेबोरेट करके दिया हुआ है, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग का। लेकिन इंग्लिश जिसका कि पार्ट सबसे ज़्यादा होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, उसका सिलेबस इतना छोटा सा दे रखा है। इसमें क्या है देखिए, इन एडिशन टू द टेस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग, ठीक। उसके बाद ये जो यहाँ पे पॉइंट है, इट्स वोकैबुलरी, ठीक, उसका वोकैबुलरी इसका टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो है यहाँ पर सही से मतलब प्रॉपरली मैंशनड है कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स तो आएगा ही। उसके बाद आगे क्या है, इट्स करेक्ट यूजेस। करेक्ट यूजेस किसका, तो इंग्लिश लैंग्वेज का, उसके ग्रामर का, ठीक। उसके बाद उसका राइटिंग एबिलिटी वगैरह ये सब का चेक होगा, ये सब टेस्ट किया जाएगा। अब इसमें क्या है कि आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि देखो यहाँ पर तो कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, तो आप अपने आप से एक सिंपल सा सवाल पूछिए कि यहाँ पर idioms और phrases कहाँ पे लिखा हुआ है, ये बताओ मेरे को। idioms phrases भी तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन idioms and phrases तो आता है, 2017 वाले पेपर में था, 18 वाले के भी कुछ पेपर्स में था, तो idioms और phrases तो आता है, लेकिन वो तो कहीं यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो आपके आर्ग्यूमेंट के हिसाब से, तो फिर अगर आप सिलेबस में देखोगे तो सिलेबस में मेंशन नहीं है। तो देखिए idioms and phrases जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आता है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आपको लैंग्वेज की समझ है तभी आप idioms और phrases को समझ सकते हैं। उसी तरह अगर वोकैबुलरी सेक्शन के अंदर आपको वो पूछ ले कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वो क्वेश्चंस दे दे, तो आप उससे क्या लड़ाई कर लोगे फिर मुझे बता दो। अगर ये तो वही हो जाएगा कि CHSL में UFM वाला जो केस हो गया कि बच्चों को बाद में जाकर के पता चला कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या था और क्वेश्चन पेपर के ऊपर क्या लिखा था, बाद में जाकर के वो समझ रहे थे, ठीक है, और बस हैशटैग चला दिए, जो भी हो गया, ठीक है। बहुत से बच्चों को इससे बुरा लॉस हुआ, जो जेन्युइन कैंडिडेट्स थे उनको भी SSC CHSL UFM वाले केस में बुरा लॉस हो गया, ठीक है। और इसका रीजन यही था कि आपको नोटिफिकेशन के ऊपर हमेशा ध्यान देना चाहिए। नोटिफिकेशन में वोकैबुलरी लिखा हुआ है, वोकैबुलरी के अंदर अगर वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ लेता है तो आप क्या कर लोगे SSC का, सीधा सीधा बताओ। अभी तो SSC पेपर भी नहीं सेट करता, TCS से मिल करके करवाता है, तो अगर वो लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसके अंदर पूछ ले तो क्या करोगे, ठीक है। ये तो हो गया थोड़ा टेक्निकलिटी वाला बात। अब मैं थोड़ा एक जनरल बात आपसे करता हूँ, टेक्निकलिटी वाला बात यहाँ पर खत्म हो गया, मैं थोड़ा जनरल बात आपसे करता हूँ कि मान लीजिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं SSC स्टेनोग्राफर एग्जाम का, ठीक। आप में से ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स होंगे वो दूसरे एग्जाम्स का भी प्रिपरेशन करते होंगे, SSC के दूसरे एग्जाम्स का ही करते ज़रूर होंगे, ठीक है। ज़्यादातर कैंडिडेट्स जैसे कि CHSL का प्रिपरेशन करते होंगे या CGL का करते होंगे या फिर अदर जो भी एग्ज़ाम्स हैं, तो कोई ना कोई एग्ज़ाम्स में आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ज़रूरत पड़ता ही होगा। CHSL में तो गारंटी आते हैं, CGL में भी आते हैं, ठीक। तो वैसे स्टूडेंट को तो बिल्कुल ये चीज़ सोचना नहीं चाहिए अगर वो दूसरे एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं कि मुझे तो करना ही करना है, मुझे आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करना ही है, क्योंकि इसमें अगर चलिए नहीं आता है, ठीक है, मान लेता हूँ नहीं भी आता, तो दूसरे एग्जाम्स में तो आपका हेल्प हो ही जाएगा। तो मान लीजिए कि 50% या उससे ज़्यादा के कैंडिडेट्स मैं समझ के चल रहा हूँ जो दूसरे एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करते होंगे और उनको वो चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर जो एकदम वैसे कैंडिडेट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्टेनोग्राफर एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और किसी एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि 100 नंबर का आपका इंग्लिश आता है, आप क्या ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो? स्पेशली न्यू कैंडिडेट्स को इसके ऊपर कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं एक वीडियो बना भी रहा हूँ, वरना मुझे नहीं लगा था कि वीडियो बनाने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन क्योंकि कमेंट्स आते जा रहे थे तो फिर मुझे लगा कि एक क्लेरिफिकेशन वीडियो बनाना जरूरी हो गया है। तो आप जो बताओ जो न्यू कैंडिडेट्स है कि आप इसके ऊपर क्या रिस्क लेना चाहते हो, क्या आपको रिस्क लेने की जरूरत है, और क्या कोई बंदा जो आपको ये बोल रहा है कि नहीं आएंगे,
ठीक, तो क्या वो मुझे नीचे कमेंट में वो बोल सकता है कि हाँ भाई मैं गारंटी लेता हूँ कि नहीं आएगा, ठीक है, और अगर आ गया तो मैं रिस्क लेता हूँ। जिस भी कैंडिडेट को अगर सिलेक्शन इसके वजह से रुक गया कि वन वर्ड्स में उसके मार्क्स नहीं आए, उसकी रिस्क मैं लेता हूँ, ठीक है, वो मुझे नीचे कमेंट में लिख दे तो बहुत बढ़िया बात है, फिर इस वीडियो का कोई मतलब नहीं है, वही कमेंट मैं पिन कर दूंगा, आप लोग उस बंदे को जा करके पकड़ लेना जब आपका अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो, ठीक है। मेरा सीधा ये कहना है कि ये जो आपका पार्ट है, ये वोकैबुलरी वाला पार्ट, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशन में वोकैबुलरी वाला पार्ट, इसके अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछने का चांसेस है। मैं ये नहीं कर रहा कि वो पूछेगा ही, ठीक है, मैं बस गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि ये पूछेगा। प्रीवियस ईयर में नहीं आता था तो हो सकता है आगे ना भी आए, ठीक, अगर आप प्रीवियस ईयर वाला लॉजिक लेकर के चलना चाहते हो, ठीक, तो लेकिन मैं सीधा सीधा आपसे ये कर रहा हूँ कि भाई रिस्क क्यों लेना, आपको इस एग्जाम में नहीं भी आएगा तो किसी एग्जाम में हेल्प ही करेगा, तो आप पढ़ ही लो। तो आपका कितना टाइम लग जाएगा, हर दिन मैंने क्या कहा था 10 या 15, शायद मैंने बोला था कि 10 या 15 वन वर्ड्स, अगर आप 10 वन वर्ड पर डे याद करते हो आपका वोकैब ही स्ट्रांग होगा ना यार, किसी एग्जाम में आपका हेल्प ही होगा, उसमें आपको हार्डली कितना टाइम लगेगा, 15 मिनट का 20 मिनट का टाइम लगेगा आपको, तो उतना टाइम आप नहीं दे सकते। तो प्लीज़ यार अब इस चीज़ को समझो, बाकी तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप प्रीवियस ईयर को लेकर चलना चाहते हो, ऑफिशियल सिलेबस को देखना चाहते हो, आपके ऊपर है। तो चलो ये वीडियो बस इतना ही था, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद, जय हिंद।